हेलो सर, इमीडिएट हेल्प चाहिए है। मैं सेक्सटॉर्शन के केस में फंस गया हूं और जिंदगी दांव पे लगी है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा। ये इतना डर गए कि इन्होंने यहां तक कह डाला कि जिंदगी दांव पे लग गई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने इन सब्सक्राइबर को ये बताना चाहूंगा कि जिंदगी दांव पे लग गई है तो क्यों लग गई है, ऐसा क्यों आपने सोचा कि जिंदगी दांव पे लग गई। केवल एक बंदे ने आपकी एक छोटी सी क्लिप बना ली एक न्यूड वीडियो कॉल के थ्रू, जिसमें एक लड़की ऑलरेडी न्यूड है और आपका फेस उसने रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर मैं कहूं कि किसी एक लिमिटेशन तक आप भी न्यूड हो गए हैं और आपका वीडियो क्लब करके उसने भेज दिया है और आपको अब वो डरा रहा है कि इस न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम के लिए आप मुझे पैसा दीजिए, अदरवाइज मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और मैं ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर। अब जिंदगी दांव पे लग गई है। अब इनका मानना ये है कि जिंदगी दांव पे लग गई है। तो माय डियर, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कोई जिंदगी दांव पे नहीं लगी है। अगर ऐसा आप सोचते हैं कि जिंदगी आपकी दांव पे लग गई है तो ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि जिंदगी ऐसी छोटी मोटी चीजों से कभी दांव पे नहीं लगती। न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम में, आई नो, मैं समझता हूं इस बात को कि न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम में आपके पास एक कॉल आता है, उस कॉल में सामने एक लड़की होती है, वो लड़की अपने आप को न्यूड करती है और कहीं ना कहीं आपको उत्तेजित करती है और आपके भी कपड़े उतरवा लेती है, और इसका वो पूरा एक सिनेरियो स्क्रीनशॉट के रूप में एक वीडियो क्लिप सेंड करती है बाद में, फिर आपसे पैसे से डिमांड करती है। इस पूरे सिनेरियो को बैक टू बैक जो प्रोग्राम करते हैं वो कोई लड़की भी हो सकती है और कोई लड़का भी हो सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में बात करूं तो लड़के ही होते हैं जो इस तरीके के फ्रॉड को अंजाम देते हैं और आपको डराते हैं और धमकाते हैं। तो मैं फिर अगर बात करूं कि जिंदगी दांव में लग गई है, तो दांव पे माय डियर कोई जिंदगी नहीं लगी है। ये केवल आपकी बेवकूफी है जो आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी जिंदगी दांव पे लग गई है। आपको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए था कि इस तरीके का स्कैम आपके साथ हो गया है तो आपको डरना ही नहीं है। मैं अपने हर एक वीडियो में ये बात कहता हूं कि मेरे चैनल पर डरना मना है, स्पेशली न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम में तो बिल्कुल ही डरना मना है, क्योंकि ये जो स्कैम है ये केवल उनके साथ किया जाता है जिनको इस तरीके की कोई भी नॉलेज नहीं है। वो बंदा ही ऐसा पकड़ते हैं आपका फेसबुक प्रोफाइल देखकर कि आप सीधे साधे हैं, आपके प्रोफाइल पे पहले फोटोज देख लेंगे, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनको लगता है ये बंदा सीधा साधा है, तो आपको फिर वो इस जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपसे पैसा ऐंठने का पूरा प्रोग्राम इस तरीके से न्यू वीडियो कॉल के थ्रू प्रोग्राम करेंगे। आप जब फंस जाते हैं तो आप डर जाते हैं, आप डर जाते हैं तो आपको लगता है आपकी जिंदगी दांव पे लग गई है, बट एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना आपकी जिंदगी कोई दांव पे लगी है और ना आपको कोई डराने वाला है, ना कुछ करने वाला है। हाँ, इस तरीके के लोग आपको धमकाएंगे जरूर, किसी हद तक मैं कह सकता हूं कि आपको डराएंगे कि आप पैसे दे दीजिए वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा पॉर्न साइट्स पर जाके, ऐसा वैसा दुनियादारी। तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके के जो वीडियो होते हैं वो पॉर्न साइट पर कोई भी अपलोड नहीं करता है। जो पॉर्न साइट पर वीडियो अपलोड होते हैं उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं अपलोड करने से पहले, तभी वो वहां अपलोड की जाती हैं। कुछ पॉलिटिकल चीजें होती हैं, किसी को जानबूझ के बदनाम करने वाली चीजें होती हैं, इस वजह से वहां वीडियो डाली जाती हैं। कुछ में वीडियो की क्लैरिटी इतनी अच्छी होती है इस वजह से वो वहां पे डाली जाती हैं। बट मेरा मानना ये है कि इस तरीके के न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम में जो वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं, जो स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो बिल्कुल थर्ड ग्रेड की वीडियोस होती हैं, उनको कहीं पर कोई भी किसी प्लेटफॉर्म में नहीं डालता है। और उससे पहले अगर मैं बात करूं कि पॉर्न साइट से पहले अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर अगर आपकी कोई वीडियो वायरल करने की कोशिश करता भी है तो वो विदिन 24 आवर्स में अपने आप डिलीट हो जाती हैं। और इसके बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप YouTube पर ही देखेंगे तो आपको बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। इवन मेरे चैनल पर भी आपको कई एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको दिखेगा कि अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो डालता है तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड जो आपने उससे बोला या आपने उससे पूछा कि जिंदगी दांव में लग गई है, तो कोई जिंदगी आपकी दांव पे नहीं लगी है। आप बिंदास रहिए, मस्त रहिए, और जैसी आपने लाइफ पहले जी रहे थे आप वैसे ही जिए, क्योंकि इस तरीके के केस से कुछ नहीं होता है, केवल आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पॉर्न साइट पर कभी किसी का वीडियो अपलोड नहीं होता है, बिल्कुल होता है,
बट वो जो वीडियोस अपलोड होते हैं उनके पीछे बहुत सारे कुछ और अलग रीजंस होते हैं, और वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, या फिर मैं कहूँ वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जानबूझ के बदनाम किया जाता है। उस तरीके के लोगों को ही इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है और उन्हीं का वीडियो वायरल होता है। हम आप एक साधारण आदमी है और हमारे वीडियो कभी इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर ना डाले जाएंगे, और डाल दिए गए तो हम उनको कुछ देने वाले हैं नहीं। तो इसलिए ये चीज उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होती है, और यही रीजन होता है कि वो कभी भी इस तरीके के वीडियोस को वायरल नहीं करते हैं। केवल धमकी देते हैं कि हम आपका वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, व्हाट्सएप पर डाल देंगे, ट्विटर पर डाल देंगे, और टेलीग्राम पर डाल देंगे, और ना जाने कितनी नई एप्लीकेशन आजकल मार्केट पे आई है वहां वहां डाल देंगे। तो कभी भी डरिए मत, और इस तरीके की कभी धमकियों में कभी मत आइए। कोई भी जिंदगी तबाह नहीं हो रही है, ना कोई बर्बाद हो रही है, आपको बस डरना नहीं। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो लोग मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट कि उनको ऐसे ही लाइव अपडेट्स हमेशा मिलते रहें, ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में वो हमेशा अपडेट रहें, सो दैट कि कभी भी उनके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है तो उनको पहले ही इस बात की जानकारी रहे कि ये फ्रॉड एक मार्केट के अंदर एक फेक फंक्शन चल रहा है, इसमें फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।